अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपका रैंक 25,001 से 1,15,000 तक रैंक तक के बच्चों को मौका मिलेगा। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके रैंक 1 से लेके 1,15,000 तक मौका मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके रैंक 1 भी है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वैसे डेफिनेटली रैंक 1 के सभी जिनकी भी होगी उनको तो कॉलेज अलॉटमेंट हो ही जाएगा, जो भी कॉलेज चाहेंगे, लेकिन फिर भी उनको आज मौका मिलेगा दोस्तों 1,15,000 तक के बच्चों के साथ दोबारा से कॉलेज फिल करने का। लेकिन सिर्फ उनको इनको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों आज हमारी काउंसलिंग शुरू हो रही है। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले हमें करना होगा ओटीपी को जनरेट। जी हाँ दोस्तों, ओटीपी जनरेट में मतलब एक मैसेज आ जाएगा आपके पास ओटीपी, तो वेरीफाई किया जाता है फिलहाल कि आप लोग यार सही है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ओटीपी जनरेट, ठीक है। स्टेप 1 हमें ओटीपी जनरेट करना रहेगा। और दोस्तों हमारा जो स्टेप 2 रहेगा दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, स्टेप 2 में हमें सिर्फ चॉइस फिल कर लेना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट दोस्तों लगता है इस प्रोसेस में। और आपको एक चीज अच्छी बता दें कि जो ऊपर से जितने भी कॉलेजेस शो होंगे, सबसे पहले सिर्फ डायट कॉलेज शो होंगे, डायट के बाद सारे प्राइवेट कॉलेजेस सीरियल से शो होने शुरू हो जाएंगे। तो पहले हमें सिर्फ डायट कॉलेज मिले तो दोस्तों हम लोग सब जिनको भी डायट कॉलेज चाहिए होगा, सारे जितने मन करे उसने फिल कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, देखिए ये वाला लाइन जो हमने लिख रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही कॉलेज फिल करना जहां से आपको एडमिशन चाहिए हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये मत करिएगा कि आपको जहां से एडमिशन ना चाहिए तो आप आग बंद करके सभी कॉलेज लॉक कर दे, फिर बाद में अगर दोस्तों वहां मिलता है तो आपको वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जाने कितनी मेरिट वालों को मिलेगा मौका। तो दोस्तों मेरिट देख लेते हैं आज, जो हमारी मेरिट शुरू होगी वो 230 नंबर से लेके 210 नंबर तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1,15,000 जिन बच्चे की रैंक है वो 210 नंबर है, और दोस्तों जिनकी रैंक 2,30,000 मतलब 25,001 है, उनकी रैंक मतलब मेरिट 230.87 है, आपके सामने शो हो रहा है। तो इन बच्चों को मौका मिलेगा। और दोस्तों एक चीज और हम जानेंगे कि इसमें पैसा रिफंड की कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर आपने एक बार 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया कॉलेज अलॉटमेंट के बाद, तो आपका एक भी रुपए वापस नहीं आएगा, ऐसा इसमें लिखा गया। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी विज्ञप्ति थी हम नहीं कह रहे, इसमें एक लाइन इन्होंने ऐसा ही कुछ लिख दिया है कि क्या लिखा दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा जरा। उक्त शुल्क 10,000 रुपए किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं होगा, वापस नहीं होगा, और साथ ही उस अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भरने के अग्रिम चरण में भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यार ये 10,000 रुपए की जो बात है वो तो खाली एक भी पैसा वापस तो नहीं करने वाले। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद अगर आपका बीटीसी करने का मन भी नहीं है तो भी वो 10,000 रुपए आपका नहीं लौटेगा। तो अब दोस्तों उसके बाद हमारा दो स्टेप 2 था, जो हमने देखा कि हमें चॉइस फिल करना होगा। चॉइस फिल में दोस्तों सिंपल से यही रहेगा कि आपको जितने भी कॉलेजेस के नाम देने हो दे दीजिए, तो बस। और उसके बाद दोस्तों कुछ दिन हमें वेट करेंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट देखते दोस्तों हमारा कब तक आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा जो रिजल्ट है वो 25 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, मतलब ठीक है। तो आज शाम से, जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई 2019 शाम से लेके 24 जुलाई 2019 तक हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, और 25,001 से लेके 1,15,000, ठीक है। क्रम 1 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम 1 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो, देखिए उन बच्चों को भी मौका मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 1 से 25,000 तक के जो बच्चे पहले थे, जो जिनको मतलब मौका नहीं मिला, या ये कहिए जिनको टाइम नहीं मिला, वो विकल्प नहीं भर पाए, तो वो दोबारा से या विकल्प भर पाएंगे, और उनको भी मौका मिलेगा जिन्होंने कॉलेज का नाम तो दे दिया लेकिन उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो उन दो तरह के बच्चों को मौका मिलने वाला है। तो आज दोस्तों देखिए, जो क्रम 1 के थे, फेज 1 के बच्चों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। संस्था आवंटित प्रकाशित होने की तिथि 20 जुलाई 2019। जी हाँ दोस्तों, तो आज इन बच्चों का सबसे पहले रिजल्ट आ जाएगा कि किन बच्चों को कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। तो दोस्तों उसकी भी वीडियो हम तुरंत बना देंगे कि कितने रैंक के बच्चों को मतलब क्या मेरिट कहाँ पर एक्सपेक्टेड गई है। देखिए दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरिट को भी जानना है कि आपके लिए मेरिट कितनी जाने वाली है। तो इस वीडियो में हम मेरिट को भी लेकर डिस्कस करेंगे कि आप कितने नंबर पर कहाँ पर सरकारी कॉलेज पा सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे YouTube चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, और ठीक है।
वीडियो को अपने दोस्तों तक भी दोस्तों शेयर करना ना भूले, जिससे कि उनको भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फिलहाल इन बच्चों तक तो दोस्तों जरूर वीडियो पहुंचनी चाहिए जो आज फिलहाल अपने चॉइस फिल कर पाएंगे, नहीं तो काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। एक चीज और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपनी रैंक लिस्ट ना देखी तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, हम रैंक लिस्ट आपकी बता देंगे कि कैसे क्या करना है। तो ये रैंक लिस्ट दोस्तों, इसकी पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग अपना पीडीएफ के माध्यम से अपनी रैंक देख लीजिएगा कि आप कहाँ पर आते हैं। नहीं तो ऑनलाइन भी दोस्तों रैंक लिस्ट देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आपको जो भी ठीक लगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत बच्चे चाहते हैं कि हम भी देखें ऑनलाइन हमारा कहाँ पर दिख रहे हैं, आपको ऊपर कौन से बच्चे आ रहे हैं, कौन से नीचे आ रहे हैं, तो ये सब है दोस्तों। तो आज हमारा मौका शुरू हो जाएगा, 20 जुलाई हो चुकी है, और दोस्तों याद रखिये कल से 21 जुलाई से मतलब आप लोग की एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, तो मतलब कल से आप लोग विद्यालयों या स्कूलों में जाके सीधे एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। स्कूल तो नहीं कहेंगे, चलिए इसको कॉलेज बोलते हैं, तो आप लोग कॉलेजेस में दोस्तों जाकर सीधे एडमिशन की प्रक्रिया ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की जो दोस्तों फीस होती है वो 41,000 आती है एक साल की। काफी बच्चे कंफ्यूजन में अभी भी कि प्राइवेट कॉलेज की सर फीस कितनी होती है, तो वो 41,000 रुपये पर ईयर होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की 10,200 रुपये। तो प्राइवेट कॉलेज अगर आपको दोस्तों मिलेगा, तो अगर आपने 10,000 की पेमेंट अभी करेंगे अलॉटमेंट के लिए, उसके बाद 31,000 की पेमेंट दोस्तों बाद में करनी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस रहेगा। और आपका जो सरकारी स्कूल है उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं पेमेंट को, 200 रुपये कुछ बचेगा, तो वो आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ अलॉटमेंट को लेकर क्या बातें कही गई हैं। देखिए, अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवंटन पत्र या अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को 10,000 रुपए का भुगतान वेबसाइट पर दिए गए SBI MOPS लिंक का प्रयोग कर करना होगा। ठीक है, जो भाई यूजर से वो इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी निर्धारित शुल्क का भुगतान उसी दिन कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया है। अभ्यर्थी के स्टेट रैंक मेरिट एवं भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता सीट संस्थान आवंटित होने के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना ही अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, की ध्यान रखिए इस लाइन को जो लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो मेरिट के अनुसार आपने भर दिया, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता में संस्थान सीट का आवंटन अगर एक बार हो गया, तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट जो प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य हो जाएगा। एक बार प्रशिक्षण संस्थान आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रवेश के अगले चरण में प्रक्रिया में पुनः प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भरने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हमने कहा कि आप लोग बस वही कॉलेज डालिएगा जहां से आपको एडमिशन चाहिए हो, ये मत करिएगा दोस्तों कि चलिए मेरा दोस्त वहां ले रहा है हम भी वहां डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं आपके दोस्त वाला कॉलेज आपको मिल जाए और आपके दोस्त को कॉलेज ही ना मिले, तो फिर आपको एडमिशन वहां से लेना ही लेना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। और आप लोग को पता ही पैसा रिफंड नहीं होगा दोस्तों, और पैसा 100-500 रुपए तो है नहीं, सीधे 10,000 रुपए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आज एक तरह से देखा जाए दोस्तों, रैंक वन से लेके 1,15,000 तक बच्चे एक साथ ऑनलाइन अपना सबमिशन कर पाएंगे। पहले आपको चॉइस सबमिशन करना है एक बार दोस्तों, पहले आपके पास 2-3 विकल्प मिलते हैं, पहले एक बार आपको सारे कॉलेजेस देख सकते हैं, व्यू कॉलेज लिस्ट होती है कितने कॉलेजेस आ रहे हैं आपके एरिया में, तो उसकी भी दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो बना रखी, तो कॉलेज लिस्ट वाली आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप जहां भी रहते हैं जिस भी जिले में, तो आपके जिले में कितने कॉलेजेस आते हैं प्राइवेट और सरकारी। तो हम तो आपसे ये कहेंगे अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो दोस्तों एक बार चले जाइएगा कॉलेज में बात कर लीजिएगा। देखिए कॉलेजेस वाले बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप चले जाइएगा 2 मिनट बात कर लीजिएगा कि हाँ आपके एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और आगे कैसे चलता है, क्या मामला होगा। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ना इतना आसान होता नहीं है, जैसे कि अगर आप पहले से बात कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आप बिल्कुल नए बन के जाएंगे, थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे पहले बात कर लेंगे कि कॉलेज में ना आने का फाइन ये सब क्या कैसे प्रोसेस है, क्योंकि भाई सभी कॉलेज प्राइवेट में यही होता है कि पैसे कमाने के लिए खोले जाते, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। सरकारी में तो आपको पर डे कॉलेज जाना पड़ेगा, उसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, एक भी दिन 2 साल तक। देखिए जो आपका BTC होता है दोस्तों, ये 2 साल के लिए रेगुलर कोर्स है, इसमें कोई ना गर्मी की छुट्टी होती है ना ठंडी की होती है, बस आपको 4 बार टीचिंग का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मतलब 4 महीने आप टीचिंग करेंगे साल भर में अलग अलग महीने में, तो ये सब होता है दोस्तों। तो लंबा प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा कोई गलती ना होने पाए आपसे भी, तो आपको रेगुलर जाना ही पड़ेगा फिलहाल, ठीक है कॉलेज।
डैट के लिए तो बहुत ही अनिवार्य होता है, और 75% अटेंडेंस दोस्तों इसमें अनिवार्य होता है। जी हाँ, 75+% अटेंडेंस अनिवार्य होगा। अब उससे ज्यादा दोस्तों कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन इससे कम में तो बात नहीं बन पाती। तो दोस्तों ये हमारा फेस वन चल रहा है। और दोस्तों जिन बच्चों का, देखिए अब बात आती है, जिन बच्चों की रैंक 2.5 लाख से ऊपर है तो फेस टू जरूर आएगा दोस्तों, उनको भी जरूर मौका मिलेगा जिनकी रैंक 2.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों जिन बच्चों की रैंक 3 लाख आ रही है, 3.5 लाख आ रही है, उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो प्राइवेट कॉलेजेस दोस्तों भरमाल है, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2,41,000 सीट्स हैं टोटल, डायट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाते तो लगभग 2,41,000 सीटें बनती हैं। तो 2,41,000 दोस्तों जब सीट्स है तो ये भरेंगे कैसे, तो ये भरेंगे तो हम ही लोग से ना। तो दोस्तों जब हम लोग 2,50,000 अभी खाली, मतलब आप लोग को कॉल की गई कि 2,50,000 बच्चे आके एडमिशन प्रक्रिया में भाग लें, तो ऐसा होगा नहीं दोस्तों कि 2,50,000 बच्चों में 2,41,000 बच्चे भाग, मतलब एडमिशन ले ही लेंगे। काफी बच्चे ऐसे दोस्तों जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर हमें डायट कॉलेज मिलेगा तो मैं एडमिशन लेंगे, अन्यथा एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो सोच समझ सकते हैं दोस्तों कि जो कुछ बच्चे सिर्फ डायट कॉलेज के लिए आए और वो बच्चे तुरंत ही हट जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो दोस्तों उनकी सीट तो ऐसे ही वैकेंट होने वाली है, खाली हो जाएगी। तो आप लोग आराम से दोस्तों एडमिशन मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। जिनकी रैंक लगभग 3 लाख भी है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे, वॉच करेंगे, हो जाएगा एडमिशन। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमारी जो रैंक लिस्ट है ये है कि 230 मेरिट से लेके आपकी जो मेरिट जा रही है 210 नंबर तक आज बच्चे कॉल हो जाएंगे, मतलब इतने नंबर पाए जाने वाले बच्चे अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों 210 से नीचे आप जब अगली काउंसलिंग की लिस्ट आएगी दोस्तों, उसमें हम देख लेंगे, वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि हाँ उससे जो नंबर कम है बच्चों के वो कैसे अगले राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। एक चीज याद रखिए दोस्तों, आप लोग मेरिट को लेकर काफी डाउट में रहते हैं, तो एक चीज याद रखिए, जो आप लोग की रैंक लिस्ट आई है इसमें आप लोग की कैटेगरी नहीं लगाई गई कि आप जनरल से आते हैं कि ओबीसी से, एससी से कि एसटी से। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशानी होना। काफी बच्चे कह रहे थे सर हम जनरल से आते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं ओबीसी से आते हैं, कुछ एससी से, कुछ एसटी से, और कुछ बच्चे फिजिकल हैंडीकैप में भी हैं। तो ये जो दोस्तों रैंक लिस्ट बनी है ये कोई आपकी कैटेगरी देख के नहीं बनी कि आप जनरल के हैं तो आपकी रैंक ऐसी है, ओबीसी के हैं तो ऐसी है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की दोस्तों जरूरत नहीं है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो या फिजिकल हैंडीकैप हो, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो जो एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है दोस्तों में जो आपको पहले भी डिस्कस किया था, तो कुछ वैसे ही आपको सरकारी कॉलेज का आवंटन होगा 230+ से लेकर 240 नंबर तक। ठीक है, सरकारी कॉलेज में जनरल के लिए रहेगी ये कट ऑफ, और ओबीसी में दोस्तों हमने जैसा बोला था कि 225 से लेके 240, ठीक है, प्लस ये दोस्तों ओबीसी कट ऑफ हो सकती है। एससी कट ऑफ जो हमने दोस्तों डिस्कस किया था 210 से लेके 230 नंबर के बीच में, एसटी में दोस्तों ये हमने बात की थी कि 200 से लेके 220 के बीच में, और फिजिकल हैंडीकैप 200 से लेके इनके भी 220 मान सकते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये कुछ कट ऑफ होगी दोस्तों जिसमें आपको एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो और भी अपडेट्स के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, फिर मिलेंगे। ठीक है।